okay, so we are going to start with a very important topic, BT cotton. बहुत बार हम लोगों ने ये टॉपिक डिस्कस किया है. चलिए आप बताइए BT stands for. जल्दी जल्दी. Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis क्या है ये? Is it a bacteria, virus, fungus, algae? क्या है? Bacteria. Very good. It is bacteria. क्यों बात कर रहे हैं इस bacteria की? Some strains of Bacillus thuringiensis, they produce a crystal protein called cry protein. क्या खासियत है ये cry protein की? They are toxic to the larvae of insects like tobacco, tobacco budworm, army worm, beetles, flies and mosquitoes. जितने भी मैंने अभी नाम लिए फिर से बता देती हूँ. Tobacco budworm, army worm, beetles, flies and mosquito. कौन से क्लास को बिलोंग करते हैं ये? फाइलम बताइए. They all belong to phylum Arthropoda. Insects हैं और इनका rate of reproduction बहुत ही high होता है. और जब ये attack करते हैं field को, it is very difficult to protect your field. और जो भी इतनी मेहनत से हमने crop उगाया, कुछ मिनटों में पूरा बर्बाद हो जाएगा. हमने एक clipping देखा था ना? Do you remember the clipping मैंने आपको दिखाया था? क्या देखा था उस clipping में regarding this pest attack? अभी जो रिसेंटली हुआ था, कहाँ हुआ था? गुजरात एंड विच स्टेट्स? गुजरात एंड राजस्थान में पेस्ट अटैक हुआ था अभी. राजस्थान. यहाँ बोलते हैं हिंदी में, राइट? एंड यू हैड सीन दैट हाउ मैसिव डिस्ट्रक्शन दे हैड कॉस्ट. कुछ नंबर था वहां पे, आपको याद है क्या नंबर था? 2500, व्हाट वाज दैट? 2500 एलिफेंट्स जितना ग्रेन कंज्यूम कर सकते हैं उतना ही ग्रेन इसके लार्वे कंज्यूम कर जाते हैं. सो इट्स अ वेरी बिग नेशनल प्रॉब्लम. तो क्या करेंगे ये पेस्ट मैनेजमेंट के लिए? तो ये पेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक जीन आइडेंटिफाई किया. वो जीन का नाम क्या है? क्राई प्रोटीन. याद कैसे रखोगे? क्राई, क्राई मतलब रोना, जो इंसेक्ट्स को रुला दे ऐसा प्रोटीन, जो इंसेक्ट्स के रिप्रोडक्शन को खत्म कर दे ऐसा प्रोटीन. सो बैसिलस थुरिंजेंसिस में एक प्रोटीन है, क्रिस्टल प्रोटीन, जिसका नाम है क्राई प्रोटीन. दिस इज टॉक्सिक टू द लार्वा. देखो ये और भी अच्छी बात है, अगर उसको लार्वल स्टेज में ही किल कर दिया तो वो एडल्ट तक पहुंचेगा ही नहीं, तो नुकसान और भी कम होगा. एडल्ट को किल करना मुश्किल है, लार्वे को हैंडल करना आसान है. सो वी आर गोइंग टू टारगेट द लार्वे ऑफ आर्थ्रोपोड्स दैट आर अ पोटेंशियल थ्रेट टू अवर एग्रीकल्चर. क्या करेंगे इसके लिए? द क्राई प्रोटीन एग्जिस्ट इन द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन, इट इज कन्वर्टेड इन टू द एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट विच सोल्यूबलाइजेज द क्रिस्टल. क्या मतलब है ये भारी भरकम सेंटेंस का? ब्लैक बोर्ड पे समझते हैं. सो वॉट यू हैव हियर इज यू हैव अ क्राई जीन. पहले जीन का नाम लिखेंगे. याद रखना, जब जीन का नाम लिखोगे ना तो उसको स्मॉल लेटर्स में लिखोगे. उससे जो प्रोटीन बनेगा वो कौन सा प्रोटीन है? क्राई प्रोटीन है. नेचर कैसा है इसका? क्रिस्टलाइन है. फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि इट इज टॉक्सिक टू द लार्वे. बट टॉक्सिक व्हेन? अब जो चीज इंसेक्ट्स को नुकसान कर सकती है हमको भी नुकसान कर सकती है ना. वी डोंट वांट दैट. हमको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए अगर हम सेम चीजें कंज्यूम करते हैं तो. सो द टिप हियर इज कि ये जो टॉक्सिक क्राई प्रोटीन है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉक्सिन. प्रो का मतलब क्या हुआ? प्रो का मतलब हुआ कि अभी ये इनएक्टिव है. इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा या ये एक्टिवेट कब होगा? अब आप मुझे थोड़ा अपना प्रीवियस नॉलेज में से याद करके बताओ, हमारी बॉडी में कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं और बाद में एक्टिवेट हो जाते हैं? टेल मी विच आर दोज एंजाइम्स. आई विल नॉट प्रोसीड टिल आई गेट द आंसर. थोड़ा सा जोर डालो दिमाग पे. आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में
कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होते हैं, पर जैसे ही आप खाना खाते हो आपके स्टमक में प्रोटीन जाता है वो एक्टिवेट हो जाता है. कम ऑन, दिस इज 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी एंड यू हैव स्टडीड इन 10th आल्सो 8th आल्सो. लैक्टिक एसिड इज द रॉन्ग आंसर. एंजाइम्स पूछ रही हूं मैं, एंजाइम्स. डाइजेशन वाला चैप्टर याद करो जो 11th में पढ़ाया था. अच्छा चलो एक हिंट देती हूँ, HCl. अब याद आया? इलेवेंथ का पढ़ के इलेवेंथ में ही भूल गए. इलेवेंथ में पढ़ाया था, पिछले जन्म में थोड़ी पढ़ाया था. ओके चलो एक और हिंट, अब तो आ ही जाना चाहिए. पेप्सिनोजन. अभी भी नहीं? ओ माय गॉड. अमाइलेज. अमाइलेज, नो. अमाइलेज इज नॉट द आंसर. अमाइलेज इज ऑलरेडी एक्टिव, इट इज सिक्रीटेड इन द एक्टिव फॉर्म. क्वेश्चन समझा पा रही हूं मैं अपना? एंजाइम्स, आपको मुझे ऐसे एंजाइम्स बताने हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं और बाद में एक्टिवेट हो जाते हैं. याद करो पेप्सिनोजन वो इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम का, और जैसे ही उसको HCl मिलेगा, एसिडिक पीएच मिलेगा. कितना एसिडिक पीएच? आपने वैल्यू भी पढ़ी थी पीएच की, 2-3 पीएच. तब पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में, और तब जाके ये पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन शुरू करेगा. डू यू रिकॉल दैट चिल्ड्रन? हाँ. यस. याद आया ना? ये तो बेसिक चीजें हैं, आप भूल कैसे सकते हो? फिर नीट के एग्जाम में क्या करोगे? सो एनीवेज, बहुत सारे एंजाइम्स आपकी बॉडी में ऐसे हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं, और बाद में जैसे ही उनको सूटेबल पीएच मिलता है वो एक्टिवेट हो जाते हैं. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया पेप्सिनोजन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों. काइमोट्रिप्सिनोजन, राइट. एक और था कार्बोक्सीपेप्टिडेज. याद करो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. सो सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है. और एक और बात मैं आप, हाँ बोलो अनीश. डाइपेप्टिडेज, करेक्ट. और एक और बात मैं आपको याद दिला दूं, लास्ट लेक्चर में हमने गोल्डन राइस की बात की थी, और मैंने आपको बताया था कि गोल्डन राइस में क्या होता है. बताओ मुझे क्या होता है गोल्डन राइस में? गोल्डन राइस प्रोवाइड्स यू विथ विच विटामिन? विटामिन ई. यस राजवी. ई और ए. लाउडर. विटामिन ई या ए? इट वाज विटामिन ए. आप तो मुझे ही ऑप्शन दे रहे हैं, रजनीकांत बन गए आप तो. क्या हम तो चार आंसर्स देते हैं, आप चूज कर लो आपको कौन सा चाहिए. ओके, सो गोल्डन राइस विटामिन ई सप्लाई करता है हमको, एंड एक्चुअली ये विटामिन ई का प्रिकर्सर सप्लाई करता है. प्रिकर्सर मतलब उसका जिसमें से वो बनेगा. सो ये प्रिकर्सर बाद में हमारी बॉडी में जाके इट विल गेट कन्वर्टेड टू विटामिन ए. तो इसी तरह से क्राई प्रोटीन एक प्रोटॉक्सिन है. ये प्रोटॉक्सिन को अगर हमने गलती से खा भी लिया हमको कोई नुकसान नहीं होगा. हमको क्यों नुकसान नहीं होगा? क्योंकि हमारे स्टमक का पीएच बताइए कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है? एसिडिक. वेरी गुड. अभी बात की हमने, हमारे स्टमक का पीएच एसिडिक है, लेकिन जो आर्थ्रोपोड्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, उनके गट का पीएच कैसा है? उनके गट का पीएच अल्केलाइन है. तो जैसे ही ये प्रोटॉक्सिन को अल्केलाइन पीएच मिलेगा, ये टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये टॉक्सिन क्या करेगा, लार्वे का जो इंटेस्टाइन है. आई होप माय बोर्ड इज विजिबल चिल्ड्रन, कैन यू सी द बोर्ड? यस. ओके. यस. सो व्हाट हैपेंस इज इन द अल्केलाइन कंडीशन, अल्केलाइन मतलब बेसिक कंडीशन जहां पे पीएच इज मोर देन 7, क्या होगा वो अल्केलाइन कंडीशन में? प्रोटॉक्सिन will be converted to toxin,
और फिर वो लार्वे के इंटेस्टाइन को परफोरेट कर देगा. परफोरेट कर देगा मतलब होल्स हो जाएंगे इंटेस्टाइन में. अब वो लार्वे ना खा पाएगा ना पी पाएगा. इट हैज नो अदर ऑप्शन बट टू डाई. सो दैट इज व्हाई वी कैन मेक द लार्वे पॉपुलेशन लाइक वी कैन किल द पॉपुलेशन ऑफ लार्वे बाय दिस प्रोटीन. इतना समझ में आया आपको? यस. कोई डाउट? ओके. सो इन दैट केस लेट अस गो बैक टू द स्लाइड. स्लाइड दिख रही है मेरी? हाँ. ठीक है, फिर से शुरू करते हैं. तो हमारा जो स्ट्रेन है बेसिलस थुरिंजेंसिस, 11th में आपने पढ़ा था बैक्टीरिया का नाम लिखने का एक तरीका है. किसी भी चीज का बायोलॉजिकल नेम, ये जीनस है, ये स्पीशीज है, इसको या तो आप इटैलिक्स में लिखेंगे या तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे. और जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए और स्पीशीज हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होना चाहिए. ओके, फिर से शुरू करते हैं. बेसिलस थुरिंजेंसिस ने एक क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाया. वो प्रोटीन का नाम है क्राई प्रोटीन. ये प्रोटीन टॉक्सिक है किसको? लार्वे को. कौन से इंसेक्ट का लार्वे? वो सारे इंसेक्ट जो हमको परेशान करते हैं, हमारे फील्ड्स बर्बाद कर देते हैं या तो बीमारियां फैलाते हैं. बेसिकली वी आर टारगेटिंग टू द पेस्ट अभी, तो बीमारियों की बात नहीं करेंगे. ओके, ये क्राई प्रोटीन कैसे फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में है, प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में है. एक्टिवेट कब होगा? एक्टिवेट तब होगा जब गट के अंदर जाएगा. गट के अंदर क्या है उसको एक्टिवेट करने के लिए? अल्केलाइन पीएच है. अल्केलाइन पीएच में क्या होगा? उसके जो क्रिस्टल है वो डिसॉल्व हो जाएंगे, सॉल्युबलाइज हो जाएंगे. अब वो एक्टिव फॉर्म में आ गए. समझ में आई आपको ये स्लाइड? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का. क्लियर है? चलो फटाफट से मेरे सवालों का जवाब देते जाओ. बैक्टीरिया का नाम बताओ. Bacillus thuringiensis. प्रोटीन कौन सा प्रोड्यूस करता है? क्राई प्रोटीन. किसको टॉक्सिक है? लार्वे. लार्वे कैसे फॉर्म में होता है? इनएक्टिव. इनएक्टिव कब होगा? एक्टिवेट कब होगा? जब एल्केलाइन अल्केलाइन पीएच. करेक्ट, अल्केलाइन पीएच ऑफ द गट. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर. ठीक है, आगे की कहानी देखते हैं. आगे क्या होता है? सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है इट विल बाइंड टू द सरफेस ऑफ द मिडगट सेल्स एंड इट क्रिएट्स पोर्स. जैसे मैंने आपको बोला परफोरेट हो जाएगा. It will cause swelling and lysis and finally death of the insect larva. तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो. सपोज ये आपका गट है, इंसेक्ट का गट है, ठीक है. जो उसका पहले वाला पार्ट है उसको बोलते हैं फोरगट, जो बीच वाला पार्ट है उसको बोलते हैं मिडगट, और जो लास्ट वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हाइंडगट. पढ़ा है ना ये हमने कॉकरोच? Do you remember? हाँ. Standard syllabus? Seventh chapter. क्या बोल रहे हो अनीश? Seventh chapter. Very good. तो यहाँ पे जो midgut है, toxin के receptors कहाँ पे हैं? Midgut में हैं. तो toxin specifically जाके bind कर देगा midgut cells को and then it will create pores. अब यहाँ पे जब pores हो गए तो बाहर का content अंदर चला जाएगा, intestine swell हो जाएगा और एक पॉइंट के बाद फट जाएगा. सो दिस कॉजेस स्वेलिंग एंड लाइसिस एंड फाइनली उसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी. सो दैट इज हाउ दिस बीटी टॉक्सिन इज टॉक्सिक टू द लार्वे. ओके, अब ये जो बीटी टॉक्सिन है इट वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम बेसिलस थुरिंजेंसिस एंड इनकॉर्पोरेटेड इन टू द several crop plants like cotton, corn,
rice, tomato, soybean and potato. तो वैसे famous बीटी cotton हुआ है, पर सब कुछ available है. बीटी cotton, बीटी corn, बीटी rice, बीटी tomato, बीटी soybean and बीटी potato. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, सेम तरह का क्राई प्रोटीन कॉटन में भी चलेगा, कॉर्न में भी चलेगा, राइस में भी चलेगा, या अलग अलग होने चाहिए? अलग अलग. अलग अलग होने चाहिए. हम लिविंग सिस्टम्स की बात कर रहे हैं. लिविंग सिस्टम्स आर वेरी वेरी स्पेसिफिक. तो अलग अलग हमको कॉटन के लिए अलग चाहिए होगा, कॉर्न के लिए अलग चाहिए होगा, राइस के लिए अलग चाहिए होगा. क्यों? क्योंकि जो उनपे पेस्ट अटैक करते हैं वो अलग है, उनके स्ट्रेन अलग है, उनके स्पीशीज अलग है. So that is why different type of cry genes are present. Like you have cry1ac, cry1ab. ये किसको control करेंगे? Ball worms को control करेंगे. Ball worms ऐसे pest हैं जो किसको attack करते हैं? Cotton को attack करते हैं. अच्छा मुझे बताइए, cotton की खेती कहाँ होती है? Where is cotton produced? गुजरात का जो सॉइल है, ब्लैक सॉइल, इट्स वेरी वेरी फेवरेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन. तो यहाँ पे अगर आप किसी गांव के लोकल मार्केट में चले जाएंगे, आपको बीटी कॉटन के सीड्स भी मिल जाएंगे. ओके, सो दैट इज यूज्ड फॉर. राजवीर कुछ कहना चाहते हैं आप? ओके, सो क्राई जीन्स बॉल वॉर्म के लिए कौन सी वाली? cry1ac और cry1ab. अब जो पेस्ट के, जो पेस्ट इंसेक्ट है ना, उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डालते हैं. जैसे कुछ होते हैं बोरर. जो बोरर है वो क्या करेंगे? वो होल्स कर देंगे स्टेम में, फ्रूट में, सब जगह, और पूरा सेल से सक कर जाएंगे. तो जो बोरर वाला इंसेक्ट है, कॉर्न बोरर, कॉर्न बोरर किसको कंट्रोल करेगा? कॉर्न बोरर को कौन कंट्रोल करेगा? cry1ab कंट्रोल करेगा. समझ में आई आपको बात? इसी तरह से दूसरे पेस्ट के लिए हमको दूसरा जीन चाहिए होगा. तो फिर हो सकता है कि वो बेसिलस थुरिंजेंसिस स्ट्रेन में ना मिले, उसी के जैसे किसी और स्ट्रेन में मिल जाए. ओके, चलो ये स्लाइड दोबारा एक्सप्लेन करूं या क्लियर है? क्लियर है मैम. तो फिर आप मेरे सवालों का जवाब दे दो फटाफट से. एक्टिवेटेड टॉक्सिन कहाँ बाइंड करेगा? सरफेस ऑफ द मेन गट सेल. ओके, फिर क्या होगा? वो पोर्स प्रोड्यूस होंगे. उसके बाद स्वेलिंग एंड फाइनली स्वेलिंग होगा. लाइसिस एंड फाइनली डेथ. कौन से वाले बीटी क्रॉप्स प्रेजेंट है अभी? कितने बीटी क्रॉप्स डेवलप किए? कॉटन, कॉर्न, राइस, टोमेटो, सोयाबीन, पोटेटो. अच्छा मुझे बताइए, कॉर्न बोरर, कॉर्न बोरर एक पेस्ट का नाम है. कॉर्न बोरर के लिए कौन सा वाला क्राइजीन यूज करेंगे? cry1ab जीन भी याद रखेंगे. ठीक है, ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया हुआ है, फिगर दिखाया हुआ है. कॉटन बॉल, बॉल एक वॉर्म का नाम है. अगेन आई विल से दैट. तो ये कॉटन देखो, ये पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया बॉल वॉर्म ने. जब वो कॉटन का फ्लावर फुल्ली मेच्योर हो जाता है, बड़ा सा होता है, उसमें से फाइबर अलग किए जाते हैं. तो दिस इज अ गुड वन, लेकिन ये देखो ये पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया. और ये कॉटन बॉल वॉर्म का इमेज है, आपने देखा वो खा रहे हैं उसको. तो इस तरह से ये पूरी कॉटन की फसल बर्बाद कर सकते हैं. जो फ्लावर है बड़ा सा, जो ऐसा खिला खिला होना चाहिए, वो नहीं होगा. आपने देखे हैं कॉटन के खेत? हैव यू सीन देम? यस. ओके, कुलदीप हमको ले जाने वाला था अपने गाँव, अभी तक लेके नहीं गया. कोई आया ही नहीं, तूने बुलाया ही नहीं ढंग से. ठीक है, चलो फिर अब 31 दिसंबर कुलदीप के गांव में ही सेलिब्रेट होगी. हाँ
ठीक है चलो डेस्टिनेशन डिसाइडेड. ओके सो अभी तक हम बात कर रहे थे बीटी कॉटन की. एक और तरीका है पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स बनाने का. अच्छा मैं आपको बता दूं कि हम जनरली जब पेस्टिसाइड्स होते हैं हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड को स्प्रे करते हैं ना, क्या करते हैं पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं. बीटी कॉटन में आपको पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं करना है, वो कॉटन के अंदर उसके जीनोम के अंदर ही वो जीन आ गया. तो जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा वो जीन एक्सप्रेस होता जाएगा और जैसे ही आपके वॉर्म ने वो प्लांट को खाया वो जीन उसके गट के अंदर चला गया. ठीक है तो यहाँ पे आपको पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं करना है. क्लियर है? हाँ यस ओके. चलिए अब आगे एक और तरीके का पेस्ट रेसिस्टेंट देखते हैं. थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से सुनना, डिफिकल्ट भी है और नीट की एग्जाम में आता भी है. सो बी वेरी केयरफुल व्हेन आई एम टीचिंग दिस. ओके एक नेमेटोड है जिसका नाम है अंडरलाइन करके देखेंगे इसका नाम. सो द नेम ऑफ द नेमेटोड इज मेलेडीगाइन इनकॉग्निशिया. ठीक है बढ़िया नाम है ना. सो मेलेडीगाइन इनकॉग्निशिया क्या है, निमेटोड है. निमेटोड का मतलब होता है राउंड वॉर्म्स. अगर आपने कभी चावल साफ किए हैं तो उसके अंदर छोटी छोटी सी कहवा है गुजराती में ईयर कहवा है, मटर में भी आती है कभी, कॉलीफ्लावर में आती है. तो ये सारे निमेटोड्स हैं. ये निमेटोड किसको इन्फेक्ट करता है, रूट्स ऑफ टबैको प्लांट्स. टबैको की खेती कहाँ होती है, टबैको की भी गुजरात में, गुजरात. इसीलिए गुजरात के फार्मर्स जो हैं, आप यूपी के फार्मर्स से तो ज्यादा ही पैसे वाले हैं, सारी ऐसे माल मुद्दे वाली चीजें उगाते हैं. टबैको इज अ कैश क्रॉप राइट, सो इट गिव्स यू मोर मनी देन ग्रोइंग सीरियल्स. तो ये जो निमेटोड है ये किसको इन्फेक्ट कर रहा है, ये इन्फेक्ट कर रहा है टू द रूट्स ऑफ टबैको प्लांट्स. ओके और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर रूट ही खराब हो गया तो क्या हो जाएगा, यील्ड डिक्रीज हो जाएगा. ओके सो आई वाज टेलिंग यू कि टोबैको प्लांट्स के जब रूट इन्फेक्ट हो जाएंगे तो उसका रिडक्शन कम हो जाएगा, हमारा जो यील्ड निकलना चाहिए फील्ड में से दैट विल बी रिड्यूस. यील्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुजराती में पाक केवाय कदाच, हिंदी में एनीवेज. तो जो यील्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा. अब इसको हमको रोकना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक और बायोटेक्नोलॉजी ट्रिक इस्तेमाल करेंगे जिसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस. इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया आरएनए आई. आई का मतलब है इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस का मतलब क्या है समझिए. सो व्हाट डज दिस आरएनए आई डू, RNAi takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense. तो इंटरफेरेंस कहाँ पे होता है, ये RNA interference eukaryotic organisms में होता है. क्यों होता है, it's a method of cellular defense. क्या होगा इसमें, silencing of a specific messenger RNA due to complementary double stranded RNA molecule that binds and prevents translation of the messenger RNA. Okay, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि messenger RNA single stranded है या double stranded है? Single. Very good Anish. Messenger RNA single stranded molecule है. इसका क्या होने वाला है बाद में, इसका होने वाला है transcription एंड ट्रांसलेशन. पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के लिए दिस आरएनए शुड बी अवेलेबल है ना. तो मैसेंजर आरएनए बन गया ट्रांसक्रिप्शन से, उसके बाद इसका जब ट्रांसलेशन होगा तो टीआरएनए इसमें बाइंड होना चाहिए, आरआरएनए बाइंड होना चाहिए, तभी तो जाके प्रोटीन बनेगा. लेकिन अगर ये मैसेंजर आरएनए को एक और डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल बाइंड कर दे तो अब यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए बाइंड नहीं हो पाएगा,
टीआरएनए बाइंड नहीं हो पाएगा तो इसका ट्रांसलेशन रुक जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस और नो? तो हैव अ कलर कोड, ये है आपका मैसेंजर आरएनए, ठीक है। अब ये मैसेंजर आरएनए में एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आके बाइंड कर जा रहा है, तो इसको एक्चुअली ओपन रहना चाहिए था ट्रांसलेशन के लिए, पर एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इसको आके बाइंड कर दे रहा है। देखो यूजुअली आरएनए डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, पर ये एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल है। क्यों बाइंड किया उसने मैसेंजर आरएनए को, कैसे बाइंड कर पाया? बिकॉज इट इज कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब अगर यहाँ पे जी था तो यहाँ सी था, अगर यहाँ पे टी था सो दिस वॉज ए एंड थिंग्स लाइक दैट। सो बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए को बाइंड कर देगा, उसका ट्रांसलेशन नहीं होने देगा, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे साइलेंसिंग। समझ में आई बात? यस, ठीक है, ओके। चलो तो फिर फटाफट से मेरे सवालों का जवाब दे दो, समझ में आया तो ओके। लेट मी क्लियर द स्लाइड। चलो मुझे बताओ टोबैको के रूट्स को कौन इन्फेक्ट करता है, क्या नाम है उसका? मेलोडी निगाई। ओके, इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस दिस, इट इज मेलोडीगाइन इनकॉग्निटिया। स्पेलिंग याद कर लेना अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं याद कर पा रहे हो तो। ओके, कौन सी कैटेगरी का इंसेक्ट है ये? निमेटोड। निमेटोड है। क्या करेगा ये, कैसे रोकेंगे इसको, कौन से फिनोमिनन से रोकेंगे इसको? आरएनए आई, दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस। क्या कहां पे होता है, प्रोकैरियोट में या यूकैरियोट में? यूकैरियोटिक। ओके, यूकैरियोट होता है यूकैरियोट्स में। क्यों होता है, why does it take place in eukaryote? Cellular defense. Very good, for cellular defense. और क्या होगा इसमें? Silencing of specific messenger RNA. Why? Due to complementary dsRNA. Because a complementary double-stranded RNA binds messenger RNA and does not allow translation of messenger RNA. Next slide पे चलेंगे? हाँ. Yes. Okay. Using agrobacterium vectors, nematode specific genes were introduced into the host plant. हमारा host plant क्या है यहाँ पे? कुछ भी हो सकता है, जो भी, जैसे ये किसको affect कर रहा था यहाँ पे बताया है। They have not told me the name of the host plant, पर समझो जो भी host plant है, ठीक है? Let us say groundnut है। हाँ, यहाँ पे बताया है ना, host plant is tobacco। तो हमारा host plant है tobacco, जिसको हमको बचाना है nematode से। तो हम क्या करेंगे? एक ऐसा gene डालेंगे जो वो nematode को grow ही नहीं करने देगा। अब वो gene हमको कहाँ डालना है? Host plant के अंदर डालना है। तो उसको एक टैक्सी चाहिए होगी ना, वहां तक कैसे पहुंचेगा होस्ट प्लांट के अंदर? होस्ट प्लांट का जीनोम प्रोटेक्टेड है, किसी को भी अंदर नहीं आने देगा, तो अपना जीन वहां तक कैसे पहुंचाओगे? वेक्टर से पहुंचाओगे, है ना? यस। तो लेट अस राइट दिस ऑन अ ब्लैक बोर्ड। यू हैव अ होस्ट प्लांट। अब इन दिस केस मैं होस्ट प्लांट का एग्जांपल भी लिख देती हूँ, टोबैको है, ठीक है। अब होस्ट प्लांट तक अपना जीन पहुंचाने के लिए हमको क्या चाहिए? वेक्टर चाहिए। वेक्टर कहाँ से आएगा? तो कोई बैक्टीरिया होगा जो इसको इन्फेक्ट कर सकता है। तो हम ये होस्ट प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे एक बैक्टीरिया से, पर इन्फेक्शन अच्छे काम के लिए करेंगे, डिजीज प्रोड्यूस करने के लिए नहीं। कौन सा बैक्टीरिया लेंगे? एग्रोबैक्टीरियम
ट्यूमीफेसेंस नाम याद आया, सुना है ना पहले? सो यस हाँ बताइए. यस बोला. ओके सो व्हाट वी विल टेक इज वी विल टेक एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेसेंस. उसके अंदर एक वेक्टर था. कौन सा वेक्टर था आपको नाम याद है वेक्टर का? उसके अंदर एक वेक्टर था जो कि एक्चुअली प्लास्मिड था और वो प्लास्मिड का नाम था टी आई प्लास्मिड. टी आई का मतलब क्या है? टी आई का मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग. ओके तो फिर से एक बैक्टीरिया है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेसेंस जो कि इन्फेक्ट करने वाला है हमारे होस्ट प्लांट को और उसके अंदर एक वेक्टर है वो प्लास्मिड है. कौन सा प्लास्मिड है? टी आई ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड. क्लियर इतना? यस. ओके अब देखते हैं क्या कर रहा है ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड. सो यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वेर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट जो निमेटोड को किल करे. ऐसी जीन हमने होस्ट प्लांट के अंदर भेज दी. कौन सी टैक्सी पकड़ के? वेक्टर वाली टैक्सी पकड़ के. ओके द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज इन सच अ वे दैट इट प्रोड्यूसेस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए इन द होस्ट सेल्स. क्या था ये सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए बताओ मुझे. चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. सैटेलाइट? नो इट्स नॉट सैटेलाइट डीएनए. देखो जो डीएनए होता है उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा और फिर क्या बनेगा? आरएनए बनेगा. आरएनए ठीक है. अब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है ना. सो दिस डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल. एक स्ट्रैंड में ऐसी दिखाती हूँ और एक स्ट्रैंड ऐसी दूसरे कलर से दिखाती हूँ. मुझे बताइए दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है क्या आरएनए बनाने के लिए? नहीं नहीं नहीं. खाली एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होती है. और तो ये जो दो स्ट्रैंड है इसमें से एक को बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड, एक को बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड. अब हमने उस वक्त पढ़ा था कि एंटी सेंस स्ट्रैंड का ही ट्रांसक्रिप्शन होता है तो हमको बेसिकली आरएनए कौन सा मिलता है? ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. पर यहाँ पे हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि दोनों स्ट्रैंड्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा और हमको कितने स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए मिलेंगे? दो. एक नहीं मिलेगा, दो मिलेगा. समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे आपको आरएनए कितने मिल गए? दो आरएनए मिल गए हैं आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन. अब ये जो दो आरएनए बने, देखो ये जो दो डीएनए थे ये कैसे थे? कॉम्प्लीमेंट्री थे. यस और नो? आप नहीं बोलेंगे तो मैं भी नहीं बोलूंगी. आई विल ऑल्सो कीप क्वाइट. स्लाइड देखिए. सो जो डीएनए था वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए था तो जो आरएनए प्रोड्यूस होगा वो भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा. सो द टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर दे फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो वो तो आपस में बॉन्ड कर लेगा. कैसे बॉन्ड कर लेगा? कौन सा बॉन्ड बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड? नो कृष्णा, न्यूक्लियोटाइड में कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? डीएनए में दो स्ट्रैंड्स के बीच में कौन से बॉन्ड्स होते हैं? फॉस्फोडाइस्टर. गुड ट्राई कृष्णा. देखो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है पर एक स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड बाइंड्स विद दूसरे स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड बाय अ हाइड्रोजन बॉन्ड है ना. और जो आपने पेप्टाइड बॉन्ड बताया वो प्रोटीन में होता है, न्यूक्लियोटाइड्स में नहीं होता है. ओके सो ये जो दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स थी वो एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएंगे और ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा ये क्या करेगा? ये जाके
निमेटोड के मैसेंजर आरएनए को बाइंड कर देगा। एक बार बाइंड कर दिया तो उसका ट्रांसलेशन रुक गया, ट्रांसलेशन रुक गया तो उसको बायोलॉजी की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, इट हैज साइलेंस्ड द स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए ऑफ द निमेटोड। इतनी बात समझ में आई? फिर से बताऊं? यस मैम। ठीक है चलो फिर से करेंगे। व्हाट आर वी बेसिकली डूइंग इज, हमको अपना प्लांट बचाना है। किससे बचाना है अपना प्लांट? निमेटोड से बचाना है। ठीक है, कैसे बचाएंगे? निमेटोड को रिप्रोड्यूस नहीं होने देंगे। निमेटोड पेस्ट है, वी डोंट वांट द पेस्ट टू रिप्रोड्यूस। जब उसको रिप्रोड्यूस करना है उसको क्या करना पड़ेगा? डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। चलो रेप्लिकेशन हो गया, अब हम इसका ट्रांसलेशन नहीं होने देंगे। ट्रांसलेशन कौन करता है? ट्रांसलेशन मैसेंजर आरएनए करता है। तो जो पेस्ट का मैसेंजर आरएनए है, टेस्ट के